जी दोस्तों, एग्जाम रेस्ट टू में आपका स्वागत है। आज हम लाए हैं आरआरबी एनटीपीसी एंशिएंट हिस्ट्री पार्ट नंबर 4। ये दोस्तों जो आरआरबी एनटीपीसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। बेल आइकन पर हिट करना ना भूलिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँच सके। जी दोस्तों, चलते हैं पहला क्वेश्चन। हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? जी दोस्तों, हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? पहला चेनाब, दूसरा सतलज, तीसरा सिंधु, चौथा रावी। जी दोस्तों, इसका आंसर होगा सतलज। बी, हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ पंजाब सतलज नदी के किनारे पर स्थित था। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था? भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। पहला हड़प्पा, दूसरा पंजाब, तीसरा मोहनजोदड़ो, चौथा सिंध। ये दोस्तों, इसका आंसर होगा हड़प्पा। जी, भारत में खोजा गया पहला स्थान पुराना शहर हड़प्पा था। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? पहला हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा लोथल, चौथा इनमें से कोई नहीं। ये दोस्तों, इसका आंसर होगा लोथल। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल। लोथल ऐसा स्थान है जो सिंधु सभ्यता का भारत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है? हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है, पहला सिंधु सभ्यता, दूसरा लोथल सभ्यता, तीसरा सिंधु घाटी की सभ्यता, चौथा मोहनजोदड़ो की सभ्यता। ये दोस्तों, इसका आंसर होगा सिंधु घाटी की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? पहला शेर, दूसरा घोड़ा, तीसरा गाय, चौथा हाथी। इसका आंसर होगा शेर। जी दोस्तों, शेर के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? पहला लाल, दूसरा नीला हरा, तीसरा पांडु, चौथा नीला हरा। ये दोस्तों, इसका आंसर होगा लाल। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का उपयोग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? पहला विशाल स्नानागार, दूसरा विशाल अन्नागार या धान कोठार, तीसरा सभा भवन, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा विशाल स्नानागार। जी दोस्तों, विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे? सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, पहला आत्मा और ब्रह्म में, दूसरा कर्म कांड में, तीसरा यज्ञ प्रणाली में, चौथा मात्र शक्ति में। ये दोस्तों, इसका आंसर होगा मात्र शक्ति में। सिंधु घाटी के लोग मात्र शक्ति में विश्वास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे? हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, पहला लॉर्ड मैकाले, दूसरा सर जॉन मार्शल, तीसरा लॉर्ड क्लाइव, चौथा कर्नल डॉट। इसका आंसर होगा सर जॉन मार्शल। जी दोस्तों, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी सर जॉन मार्शल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन।
हड़प्पावासी किस धातु से प्रचलित परिचित नहीं थे? हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? पहला सोना एवं चांदी, दूसरा तांबा एवं कांसा, तीसरा टीन एवं शीशा, चौथा लोहा। इसका आंसर होगा लोहा। जी दोस्तों, हड़प्पावासी लोहा धातु से परिचित नहीं थे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। बेल आइकन पर हिट करना ना भूलिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। जी दोस्तों, यदि अभी तक आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों को नहीं शेयर किया है तो शेयर करिए और उनसे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी आग्रह करिए ताकि वे भी नए नोटिफिकेशन उनके पास तक पहले पहुँच सके। जी दोस्तों, अब हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।